वैकेंसी और जॉब संबंधी अपडेट में साथियों एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। यहाँ पर सीआरपीएफ की तरफ से डिफेंस में बहुत बड़ी वैकेंसी, मतलब 9000 प्लस पदों पर ये भर्ती है वो निकाली गई है, जिसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन के सारे पद इंक्लूड है। विदाउट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती की क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, किस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है, सारी इंफॉर्मेशन जो भी है कम्प्लीटली इस 9000 प्लस पदों के इस भर्ती के बारे में ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल ही सरल शब्दों में मेरे द्वारा सारी बातें आपको बताई जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर पीडीएफ में जो मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें वो सारी हाईलाइट करके आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ, ताकि 50 पेज के नोटिफिकेशन को आप आसानी से समझ सकें और आप इसमें अप्लाई करके और आपकी जॉब का जो सपना है वो साकार हो सके। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले साथियों हम बात कर लेते हैं, हमारे देश का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। रिक्रूटमेंट है, यहां पर कांस्टेबल है, टेक्निकल ट्रेड्समैन और मेल फीमेल दोनों के लिए यहां पर इसमें पद इंक्लूड किए गए हैं। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इस वैकेंसी में साथियों आपको जो है कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेसिंग रहने वाली है। आपको घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है और उसके बाद भर्ती की प्रोसेस होने वाली है। तो सबसे पहले हम भर्ती की किसी भी बात को करने से पहले हम देख लेते हैं यहां पर डेट शेड्यूलिंग का। आपके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे भरने वो 27 मार्च 2023 से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। 25 अप्रैल 2023 आपके फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट रहने वाली है, तो उससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। आपके एडमिट कार्ड हैं वो कम्प्लीटली और आपके जो एग्जाम्स लगने वाली है, एडमिट कार्ड आपको 20/6 से 25/6 के बीच में देखने को मिल जाएंगे और 1/7 से 13/7 2023 के बीच में आपके कम्प्लीटली ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम है वो लगने वाला है और इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो बहुत अच्छी पारदर्शिता के साथ ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है और जो बेरोजगार अभ्यर्थी उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर रहने वाला है, क्योंकि अमूमन इसमें जो ऑफलाइन वैकेंसीज जो होती थी एग्जाम्स वगैरह उसमें कई बार की धांधली की संभावना रहती थी, लेकिन इस बार आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है जुलाई में आपकी एग्जाम लग जाने वाली है और यहां पर बिल्कुल शेड्यूलिंग के साथ ये वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो यहां पर ये सीआरपीएफ ने ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और उसमें सारे कॉन्स्टेबल टेक्निकल नॉन टेक्निकल इसकी वैकेंसी है। यहां पर आपके कंप्लीटली ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। इसको कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा इसमें हिंदी इंग्लिश आपको कंप्लीटली ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे दोनों पेपर्स में और यहां पर crpf.gov.in से आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना है। इन पोस्टों में ये सारे जो हैं कंप्लीटली लेवल 3 की पोस्ट हैं, मतलब आप यहां पर देख पा रहे हैं 21,769,100, लेकिन ये अगर आप कैश इन हैंड की बात करूं मैं तो कम से कम 30,000 रुपये से आपके कंप्लीटली मैक्सिमम बहुत ज्यादा तक जा सकता है गवर्नमेंट में, बहुत अच्छी वैकेंसी इसको अपन कह सकते हैं। तो यहां पर आप टोटल वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे 9,212 वैकेंसी है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 9,105 है, फीमेल के लिए 107 है। फीमेल के लिए अमूमन कम ही रहती है जो वैकेंसीज कम देखने को मिलती है, लेकिन मेल्स के लिए यहां पर काफी अच्छा अवसर है क्योंकि 9,105 पोस्ट ओनली मेल्स के लिए भी यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी ऑफ मेल पोस्ट, मतलब यहां पर किन किन पदों पर आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर की जो रो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसमें कम्प्लीटली इसमें अच्छे से देख पा रहे होंगे वैकेंसी ऑफ मेल पोस्ट जो मतलब मेल है उनके लिए। तो सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर ड्राइवर की है, उसके बाद मोटर व्हीकल है, कॉबलर है, इसके बाद कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है, बुगलर, गार्डनर है, पेंटर है, कुक है एंड वाटर कैरियर वाला है, वॉशरूम है, बार्बर है, तो सफाई वाला कम्प्लीटली इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको जो पद देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल वैकेंसी, यहाँ पर एक तो स्टेट वाइज दे रखी है, जैसे आंध्रा में वैकेंसी स्टेट वाइज से इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप ऑल ओवर इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके ड्राइवर की तो बहुत अच्छी पद आपको कह सकते हैं, जैसे आप ड्राइवर की यहां पर आप नीचे देख पा रहे हैं टोटली 2372 की वैकेंसी आपकी बन रही है। उसके बाद 2429 जो पद हैं आपको यहां पर हाईएस्ट जो यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये पद आपके कुक एंड वाटर कैरियर है, उसमें आपको यहां पर पद है वो हाईएस्ट देखने को मिल रहे हैं। और एक अच्छे ठीक ठाक पद अपने को 1340 पोस्ट यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस ट्रेड में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा यहां पर मौका बन रहा है और आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ड्राइवर के लिए भी है, उनके लिए भी सारी जो बातें हैं वो वन बाय वन में क्लियर करता हूं। फिलहाल बात ये है कि आपके 9,105 पर यहां पर कंप्लीटली आपके लिए अवेलेबल है। ट्रेड्स का ये पूरा चार्ट है स्टेट वाइज, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। फीमेल के लिए कम पोस्टें, एक दो पोस्टें हैं अलग अलग ट्रेड्स में, तो वो आप यहां पर देखिए 107 पोस्टों पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी फॉर्म मांगे गए हैं। बाकी पाइनियर विंग के भी कुछ पोस्टेज हैं इसमें अलग से और इसमें ज़्यादा इतना कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। जैसे कॉन्स्टेबल ड्राइवर के पद पर आप अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्स्टेबल ड्राइवर की बात कर रहा हूं मैं, और जैसे ट्रेड वाइज अलग अलग सारी चीज़ें, मैं जितनी बातें आपको जानना जरूरी है वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। जैसे कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 21 से 27 वर्ष आपकी जो है उम्र होनी चाहिए और 1/8/2023 इसमें जो है वो आधार माना गया, मतलब आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी 1/8/2023 को आधार मानकर की जाने वाली है और 2/8
सॉरी 2/8/1994 से लेकर कम्प्लीटली लेटर देन 1/8/2002 के बीच अगर आपका जन्म है तो आप इसके बीच में अप्लाई कर पाएंगे। दोनों की डेट्स भी दे रखी है। उसके बाद 6.2 में आप देख पा रहे होंगे और जो भी ट्रेड्स बच जाती है वो जो MMV हो गया, कॉबलर हो गया, कारपेंटर हो गया, उन सब के लिए 18 से 23 वर्ष है। मतलब ड्राइवर के लिए एज आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि ड्राइवर में यहाँ पर आपका हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस मांगा जाता है और उस अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रही है। तो ये 18 से 23 वर्ष आपकी जो अदर जो ट्रेड्स हैं जितने भी सारे जो MMV कॉबलर वाटर कैरियर बार्बर आ गया प्लम्बर आ गया तो ये सारी इन पोस्टों के लिए 18 से 23 वर्ष का है। और जो 23 वर्ष और जो 27 वर्ष मैक्सिमम है उसमें आपको और छूट देखने को मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। जैसे SC ST कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की छूट है और है OBC को 3 वर्ष की है। तो जैसे यहाँ पर ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहता है OBC कैंडिडेट तो 27 तो नॉर्मल है और 3 वर्ष और जोड़ दीजिए, मतलब आप 30 वर्ष तक के जो OBC कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर SC ST की बात करो तो +5 कर दीजिए, मतलब वो 32 वर्ष तक के जो OBC कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर पाने वाले हैं। और बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह और इसमें छूट वगैरह नॉर्मली है, बाकी नोटिफिकेशन में बातें क्लियर हो जाएगी। बाकी जो बातें मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो सारी मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। तो यहां पर ये सारे मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए आपको, यहां पर सिलेक्शन की जो प्रोसेसिंग है वो सारी चीजें भी हमने अच्छे से समझी और देखी। अब हम बात करते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, क्योंकि ये 10th पास की वैकेंसी है। मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि यहाँ पर कम्प्लीटली जैसे ड्राइवर के पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि ड्राइवर में सबसे ज़्यादा पद है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th कम्प्लीटली क्लियर होना चाहिए। मतलब एजुकेशन ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है, उसके साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको जो है कम्प्लीटली ड्राइविंग का टेस्ट देना होगा और वो पास करेंगे तो आपको ड्राइवर की पोस्ट पर अवसर मिलने वाला है। मतलब जिनके पास भी हैवी लाइसेंस है ड्राइवर का वो कैंडिडेट्स इसमें आराम से लग सकते हैं क्योंकि 2400+ पोस्ट ओनली ड्राइवर के लिए देखने को मिलने वाली है और हर कोई कैंडिडेट इसमें एलिजिबल भी नहीं हो पाता, तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। जो ड्राइवर वाले हैं जो 21 से 27 32 32 तक है रिजर्व कैटेगरी में, तो बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए यहां पर 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए हैवी मोटर ड्राइवर वाले। इसके बाद हम बात करें मैकेनिक मोटर व्हीकल है तो यहाँ पर आपका 10+2+ ITI होना चाहिए। इस पोस्ट में थोड़ा जो ITI वाले हैं वही अप्लाई कर पाएंगे मोटर व्हीकल वाले में। और जो ऑल ट्रेड्समैन है जैसे यहाँ पर मोटर व्हीकल वाली होगी और उसके बाद ड्राइवर वाली होगी, उसके अलावा जितने भी जो ट्रेड्स हैं उन सभी के लिए केवल 10th पास मांगा गया है और उसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा गया। और आप जैसे मान लो बार्बर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप धोबी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो आपका जो वर्क है ट्रेड वर्क वो आपको पूरा काम आना चाहिए और उसका जो है टेस्ट भी लिया जाएगा CRPF के द्वारा और उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है। केवल और केवल एक्सपीरियंस एक वैकेंसी में मांगा गया है, यहां पर पायनियर विंग की जो मेसन प्लंबर इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है उनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी और किसी भी ट्रेड्स में आपको यहां पर आप ये पूरा देख पा रहे हैं फॉर ऑल ट्रेड्समैन नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो मोस्टली जो ज्यादा पोस्टों की वैकेंसी है उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप केवल आपके पास जो वर्तमान में योग्यता मांगी गई है वो अगर आपके पास योग्यता है तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आपको कम्प्लीटली निर्धारित समय है उसमें अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये लेने वाली है, उसमें भी SC ST कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं लगने वाली, बहुत अच्छा आपको मौका मिलने वाला है। आपके एग्जाम सेंटर की मैं बात करूँ तो आपको 3 ऑप्शन फिल करने होंगे। ये ऑल इंडिया के एग्जाम सेंटर आप देख पा रहे हैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं अमूमन राजस्थान के, तो मैं राजस्थान के एग्जाम सेंटर की बात करूँ तो अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, मतलब आपके अच्छे खासे नज़दीक आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। केवल साउथ में जो उदयपुर रीजन है वहाँ वाले कैंडिडेट्स को थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है अजमेर तक, बाकी ऑल ओवर राजस्थान में अच्छे खासे काफी सेंटर हमें देखने को मिल रहे हैं। अजमेर या कोटा जाना पड़ेगा दक्षिण राजस्थान वालों को। बाकी आपका कंप्यूटर बेस्ड उनका एग्जाम है जो टेस्ट होने वाला है। अगर हम जो ये ऑनलाइन एग्जाम जो आपका होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड, ये इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे साथियों? 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कंप्लीटली। और उन 100 क्वेश्चन में जो है कंप्लीटली जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, उसके बाद GK अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश हिंदी, तो टोटली 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स हैं और 2 घंटे का आपका ये पेपर लगने वाला है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 0.25 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएंगे। CBT का जो एग्जाम होगा वो स्वाभाविक सी बात है एक साथ तो लग नहीं पाएगा ऑनलाइन, तो अलग अलग पेपर होंगे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और जो इस पेपर का जो लेवल रहने वाला है वो मैट्रिकुलेशन लेवल आपको देखने को मिलेगा। और मॉक टेस्ट अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो CRPA की वेबसाइट पर आपको ऑप्शन मिलेगा, उससे आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। अब मैं सिलेबस को थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। जनरल इंटेलिजेंसी के ये क्वेश्चन आपको सारे चीज़ें देखने को मिलने वाली है, नॉलेज अवेयरनेस में ये सारी चीज़ें आ जाएगी, उसके बाद मैथमेटिक, इंग्लिश, हिंदी, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये चीज़ें होगी और इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और जो सबसे भर्ती में अगर आप ट्रेड्स भी इस वैकेंसी में आप जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एग्जाम है उसको फाइट करना होगा। एग्जाम को फाइट करने के बाद फिर आपका होने वाला है PST टेस्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आपकी चेक की जाएगी हाइट। नॉर्मल कैंडिडेट्स की हाइट की बात करूं तो 170 सेंटीमीटर से 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है मिनिमम और मेल के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी यहां पर ट्रेड वाइज जो है आपकी हाइट मेजरमेंट मांगा गया है फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो। बाकी
अलग अलग जो और कम्युनिटी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएंगे, जो कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर, ये जो एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न टाइप के स्टेट के लिए और छूट है यहाँ पर 160, 162, और जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी छूट आपको देखने को मिल रही है। बाकी हम चेस्ट की बात करें नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं जो अदर अपने राजस्थान यूपी एमपी वाले, तो उनको 80 सेंटीमीटर का चेस्ट चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव मिनिमम होना चाहिए। बाकी जो एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 76 से 5 सेंटीमीटर फुलाव देना है। बाकी और जो अलग कैटेगरीज हैं उनकी ये छूट है, ये आप अच्छे से देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन को पूरा विजिट कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको जो है कम्प्लीटली इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन करने के बाद फिर आपका क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल के लिए और आपका ट्रेड टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे और ये सारी चीज़ें आप फाइट कर पाओगे। फिजिकल इंफिशियंसी टेस्ट पीएसटी के बाद फिर पीटी का होगा जिसमें आपकी दौड़ करवाई जाएगी। तो यहाँ पर ये जो ट्रेड आप देख पा रहे हैं कम्प्लीटली ड्राइवर, मोटर व्हीकल, जो गार्डनर, पेंटर और इन सारे जो इनकी जो दौड़ होने वाली है वो 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में करनी है मेल कैंडिडेट्स को, फीमेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ 8.5 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। बाकी आप जो और जो ट्रेड वाइज दौड़ जैसे दे रखिए, अगर मान लो आप कुक है, वेटर है, इसमें जो ज्यादा पोस्ट थी कुक है, वाटर कैरियर है, उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 1.6 किलोमीटर दौड़ आपको 10 मिनट में पूरी करनी होगी मेल को और 12 मिनट में पूरी करनी होगी फीमेल कैंडिडेट्स को। बाकी पाइनियर विंग वगैरह को और काफ़ी इसमें छूटे देखने को मिल रही है। तो द कैंडिडेट्स जो आप जाते हैं किसी भी प्रोसेस में तो आपको कम्प्लीटली अपना जो मेन आईडी कार्ड है वो कैरी करना है, वेट आपका फिजिकल मेडिकल के अकॉर्डिंग आपका वेट होने वाला है। ट्रेड टेस्ट आप जिस भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं तो जो 50 मार्क्स में का आपका क्या लेने वाला है पूरा ट्रेड टेस्ट होने वाला है। जैसे आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी, अगर आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे कुछ खाने का जो है कम्प्लीटली एग्जाम लिया जाएगा। तो जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी एग्जाम होने वाली है 50 नंबर की और मिनिमम आपको 20 मार्क्स लाने हैं तभी आप इसमें अप्लाई फिल कर पाएंगे। बाकी ट्रेड का भी यहाँ पर दे रखा है, ड्राइवर का क्या है, फिटर का क्या है, बगलर का, तो ये सारे फुल वैकेंसी जो पूरा है इसको रीड करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपका सीबीटी लग रहा है, सीबीटी में क्वालिफाई कैंडिडेट्स का फिर पीएसटी, पीईटी होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल मेडिकल होकर आपको ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन की भी पूरी प्रोसेस यहाँ पर दे रखी है, आईज है, आंख है, नॉर्मल जो फिट आदमी है वो सारी चीजें कर लेता है तो वो वैसे भी सिलेक्शन उसमें इजी वे में ले सकता है, इसमें कोई ज्यादा इतनी ज्यादा इश्यू वाली बात तो नहीं है। तो इस भर्ती की जितनी भी जो कॉमन बेसिक बातें थी मैंने फुल ब्रीफली अच्छे खासे इस वीडियो में सारी बातें बता दी हैं। अगर एक बार वीडियो देख के भी नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपको लगभग डाउट जितने भी जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और 9105 पदों की इस वैकेंसी में आपको अधिकतम फॉर्म अप्लाई करने हैं, आप जिस भी वेस्ट के लिए एलिजिबल हो पा रहे हैं आप अप्लाई कीजिए, विदाउट एक्सपीरियंस की बहुत अच्छी वैकेंसी है। और जॉब संबंधी इसी अपडेट के लिए हमारा एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करूँगा। बाकी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो साथियों, इसी प्रकार की भर्तियों की खबरें आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।